हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ये कैसे बनाऊं पर। बारिश का मौसम हो और हम लोग पकौड़े ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए फिर आज मूंग दाल और प्याज के पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के लगभग मूंग दाल ली है, जिसे मैंने एक रात पहले ही भिगा कर रख दिया था। सबसे पहले हमें इसे पीसना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है। अब हम दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मूंग दाल को अगर आप 4 से 5 घंटे भी भिगा देते हैं तो आराम से फूल जाती है। इसके साथ ही हम इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां और 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें इस तरह से इसे हल्का दरदरा ही पीसना है। ध्यान रहे, हमें इसमें बिल्कुल ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इस तरह से पेस्ट बनाना है। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, तो आपको इतना ही करना है। एंड गाइज, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें 1 बड़ी प्याज, 8 से 9 हरी मिर्च और कुछ हरी धनिया ऐड करेंगे, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने मन पसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड करने वाले हैं। हाँ, अगर बाई चांस आपका गीला हो जाता है गलती से ये, तो आप 2-3 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। हमें इस तरह से इसे हल्का प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। नमक आप तभी इसमें ऐड करें जब आप इसे तलने जा रहे हों। नमक डालने के बाद हम इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके एक बार में जितने पकोड़े आएंगे वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसे चम्मच से ही डालिए एंड अगर आपको आदत है बनाने की तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आपको जो भी तेल पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और जब ये एक साइड से हल्का सा रेड हो जाए तब इसे पलट दें एक एक करके। सरसों का तेल यूज़ करने से गांव वाली वो ट्रेडिशनल फीलिंग आती है। आप चाहें तो सरसों के तेल में ही बना सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसको अच्छी तरह से पलट पलट कर तल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसे किसी टिश्यू पेपर या नॉर्मल पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल हैं वो निकल जाएँ। आप देख सकते हैं हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की है, जो चीज़ें घर में पड़ी रहती हैं उससे ही हमने इसे बनाया है। तो ये कितनी इजी रेसिपी है। अब हम बाकी बचे हुए पकोड़े भी इसी तरह से तल लेंगे। क्या कहते हो आप लोग, है ना ये सिंपल और टेस्टी रेसिपी? अगर आपको ऐसी और मस्त रेसिपीज़ की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आई एम श्योर सबको बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना। हमारे बाकी बचे हुए पकोड़े भी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम साथ ही साथ इसकी चटनी भी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टमाटर, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्ची ले ली हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको पीस लिया एंड आप देख सकते हो कितनी टेस्टी दिख रही है। अब मैं पकोड़े के साथ खाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची तल रही हूँ। हरी मिर्ची के साथ पकौड़ा खाने से मज़ा दोगुना हो जाता है। बस आप ध्यान इतना रखिएगा कि मिर्ची तलने से पहले उसको थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा, नहीं तो फटने लगती है। मेरे मुंह में सीरियसली पानी आ रहा है इसको देखकर। अब हम इसे केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आपको जो भी चटनी पसंद हो आप ले सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लग रहा है ना टेस्टी, कॉमेंट करिएगा। अब हमने इसे इतनी मेहनत से बनाया है तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा बना है। गाइज, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, थैंक यू।